तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आऊं आपके लिए एक और वाटरप्रूफ फोन जिसका नाम होने वाला है HMH5 Pro। HMH5 तो अपने आप में बहुत ही शानदार फोन था, तो देखते हैं ये कैसा फोन होता है। चलते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो, शुरू करेंगे इसके डिस्प्ले के साथ। बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, इसमें आपको मिलने वाली है 6.52 इंचेस की IPS LED की स्क्रीन, जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगी गोरिल्ला ग्लास की। लेकिन अगर बात करें इसकी रिजोल्यूशन की, यानी कि जब भी आप कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं, फिर इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा खास नहीं होने वाली है। एक स्टैंडर्ड पिक्चर क्वालिटी आपको मिल जाएगी, जब भी आप वीडियो स्ट्रीम करेंगे तो एक स्टैंडर्ड वीडियो क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। चलते आगे, बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स डिजाइन की बात करें, देखने में काफी ज्यादा एलियन लुक इसमें आपको मिल जाएगी। और बात करते हैं इसकी बॉडी के बारे में, ये प्लास्टिक और रबड़ की होने वाली है, और यही रीजन है कि ये जो फोन है वो वाटरप्रूफ होने वाला है और डस्ट प्रूफ होने वाला है। चलते आगे, बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो विशाल बैटरी इसमें मिल रही है आपको 7000 mAh की, लेकिन एक जगह पे लैग कर गए फोन, क्योंकि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी नहीं मिल रही। चलते आगे, बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। फ्रेंड्स कैमरा की बात करते हैं, इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाएगा, जिसमें जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, जिसको पावर्ड किया गया है सैमसंग GM2 के साथ। और इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का नाइट विजन कैमरा भी मिल रहा है। किस लिए? ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो के लिए। और बात करें फ्रेंड्स इसके वीडियो रिजोल्यूशन के बारे में, इसमें आपको मिलेगी 1080x30 फ्रेम्स पर सेकंड की। वहीं पे सेल्फी कैमरा की बात करें, सेम ही रिजोल्यूशन होने वाली है। तो इन शॉर्ट बात करूं, शाम के टाइम पे जुगाड़ कर लेना लाइटों का, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशान रहोगे, पिक्चर क्वालिटी नहीं अच्छी मिलेगी आपको, या फिर जहां पे रोशनी हो वहां पे जाके शूट करना। तो चलते आगे, बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, इसमें आपको 8GB का रैम मिल रहा है। और बात करें गेमर्स के लिए कैसा फोन होने वाला है, तो फ्रेंड्स जो मेरे गेमर फ्रेंड्स हैं उनको मैं बता रहा हूं कि आप पबजी बैटल ग्राउंड टाइप आप गेम इजीली खेलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन जब बात आती है हैवी ग्राफिक्स जो गेम यूज करती है उसके बारे में, एग्जाम्पल के लिए जेंशन इंपैक्ट का नाम ले लेता हूं, तो फ्रेंड्स कितनी सेटिंग कर लो मजा नहीं आने वाला उस गेम में। तो जो कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप गेम खेलते हैं उनके लिए फोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। चलते आगे, बात करते हैं इसके साउंड के बारे में, इसके नेटवर्क के बारे में। फ्रेंड्स बात करते हैं इसके साउंड के बारे में, इसमें आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो स्पीकर्स नॉर्मल नहीं होंगे, यानी कि वाटरप्रूफ स्पीकर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। पानी में गिरेगा, गाना बज रहा है तो मजा आएगा, लेकिन आवाज सिर्फ पानी के अंदर सुनाई देगी, बाहर नहीं सुनाई देगी। और बात करते हैं 3.5mm हेडफोन जैक की, तो डेफिनेटली इसमें आपको मिलने वाला है। और बात करते हैं नेटवर्क की, तो ये बिल्कुल 4G फोन होने वाला है, और 4G तो चल रहा है, चलेगा यार अभी आगे तक, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बात करें इसके सिम के बारे में, इसमें आपको डुअल नैनो सिम का ऑप्शन मिल जाएगा। चलते आगे, बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में, इसके सेंसर के बारे में। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, इसमें आपको ब्लूटूथ वाईफाई के साथ साथ NFC का भी फीचर मिल रहा है। और बात करते हैं सेंसर के बारे में, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा साइड में। तो फ्रेंड्स ये थी सारी इंफॉर्मेशन, अब चलते हैं अपने लास्ट पड़ाव पे, जहां बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। चलते हैं, तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। अप्रोक्सीमेटली 29,450 रुपए का ये फोन है, लेकिन अभी लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है इसकी वेबसाइट पे, जिसपे अगर आप अभी खरीदते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 24,500 रुपए तक का ये फोन पड़ जाएगा। और बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में, तो 25 अगस्त 2022 को ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने कंक्लूजन यानी रिजल्ट के ऊपर, ये फोन की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस की बात करो, गेम डेफिनेटली फास्ट होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है यार इसकी परफॉर्मेंस में। लेकिन जेंशन इंपैक्ट जैसे गेम के बारे में अगर आप बाहर से बात करोगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो लैग करेंगे, मजा नहीं आएगा। अदरवाइज बैटल ग्राउंड टाइप जैसी 3D गेम खेलनी है आप लिए, उसके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, 2D गेम पे तो बात ही करना है। और बात से कैमरा की, तो शाम तक ये अच्छा रहेगा, नाइट विजन कैमरा भी इसमें आपको मिल रहा है, लेकिन अंधेरे में आपको लाइट का जुगाड़ करना ही पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस फोन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।